For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आबिद उफैल, मैं स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो का मकसद रमज़ान और डायबिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अब चूँकि रमज़ान का महीना आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, चाहे वो टाइप 1 के हों, टाइप 2 के हों, या जो भी ऐसी हामला ख़वातीन हैं जिनको हमल के दौरान शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है, वो अपने नॉलेज के बग़ैर रोज़ा ना रखें। इस कंडीशन पे सारे उल्मा की मुतफक्का राय मौजूद है कि जो भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका जान का ख़तरा है या आपको जो है वो एक बीमारी की वजह से आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि इसके लिए आपको रोज़ा रखने से नुकसान पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन में आपने रोज़ा नहीं रखना। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग जो है रोज़ा रखने पे इंसिस्ट करते हैं, तो एज अ फिजिशियन या एज अ डॉक्टर हमारा ये काम है कि हम उनको एजुकेट करें या फैसिलिटेट करें उस हवाले से। अभी क्योंकि ऐसे सिचुएशन भी ऐसी है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है कोविड की वजह से, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी अद्वियात का ख्याल रखें कि वो आपके पास पूरी आपके पास मौजूद है और अच्छे अमाउंट में मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लें, बट जो आपकी नॉर्मल जो है महीने या डेढ़ महीने की जो दवा है उससे सिर्फ एक या दो, 10 दिन या 2 हफ्ते की जो है वो ज़्यादा अपने पास रखें, ताकि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो आपके पास अपनी दवाएँ मौजूद हों। रोज़ा रखने से पहले अपने मौलवी से ज़रूर मशवरा करें, ताकि वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको बता सके कि आपके लिए रोज़ा रखना ठीक है या नहीं है। अगर वो आपको रोज़ा रखने से मना कर रहा है, तो प्लीज़ इस बात को कंसिडर करें और रोज़ा ना रखें। दूसरी एक चीज़, अगर आप रोज़ा रख भी रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसमें सबसे पहले आपके पास आपका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, या आपको ताकि आपको जो है पूरे दिन के अंदर अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक रखने में आसानी हो। उस कंडीशन में जब आप रोज़ा रख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स आगे पीछे रहते हैं, कम या ज़्यादा होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ज़रूर अपना जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो चेक करना है। और वो कब चेक करना है, कम से कम 4 से 5 दफ़ा ज़रूर चेक करें। इनिशियल डेज में इतना ज़्यादा नहीं पता चलता जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज जो है ऑलरेडी एक दूसरी फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अगर कुछ घंटों के बाद, जैसे दौरानिया अगर 12 से 15 से ज़्यादा हो जाता है, 15 घंटों से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी का जो जिगर का निज़ाम है या जो लिवर है, वो उस कंडीशन में आपको शुगर उस तरह मुहैया नहीं कर पाता जैसा कि उसको करनी चाहिए। तो उस वक्त आपने क्या करना है कि एक तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करेंगे, दिन में कम से कम 4 से 5 दफ़ा चेक करें। उसमें जो टाइमिंग्स है वो ये कि सुबह एक तो सहरी से पहले चेक कर लें, ठीक है, और फिर उसके बाद सहरी करने के बाद सुबह के टाइम पे तकरीबन 10-11 बजे के करीब चेक कर लें, और उसके बाद जो है दोपहर में एक दफ़ा चेक कर लें, रोज़ा खोलने से पहले चेक कर लें, और रात में रात का खाना खाने से बाद जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें। उससे ये हो जाएगा कि आप जब अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते रहेंगे, तो आपको अपनी बॉडी की कंडीशन का अंदाज़ा हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अवॉइड करना है। सहरी के दौरान कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ा लें जिसके अंदर नशास्ता ज़्यादा होता है या जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता खून में शक्कर की मिकदार को मेंटेन रखती है, या आहिस्ता आहिस्ता शुगर को जो है वो रिलीज़ करती है, जैसे कि रोटी हो गई, दही हो गई, सालन या सब्ज़ी वगैरह होगी। कोशिश ये करें कि बिल्कुल उसको रूखा बना के ना खाएं, 1 टेबल स्पून के करीब। अगर तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके अंदर आपको चिकनाई बिल्कुल मना है, तो 1 टेबल स्पून के करीब आप जो है वो चिकनाई यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि सहरी के दौरान एक जो है वो खजूर ज़रूर इस्तेमाल कर लें, उस कंडीशन में जब कि आपको पता हो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन है। 1 या 2 से ज़्यादा खजूर इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी शक्कर की अच्छी मिकदार होती है, और जो बाकी और प्रोसेस चीज़ों से बहुत बेहतर होती है। और इसके अलावा जब इफ्तारी का टाइम हो, तो उसमें कोशिश ये करें कि जो भी ऐसे फ्राइड फूड हैं,
उनसे जो है अवॉइड करें। अगर फ्रूट लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एक ही फल हो, और अगर फ्रूट चाट लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप एक छोटा सा मीडियम कप रख लें, उससे ज़्यादा ना लें। और कोशिश ये कीजिए कि जो शरबत वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप रोज़ा खोलना चाहते हैं, बेहतर तो ये होता है कि पानी या खजूर से खोलें। अगर उसके अलावा जैसे कंडीशन है कि पूरा दिन भूखा रहने के बाद इंसान को उसकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप होती है, तो उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा खाना है या मुझे मीठा खाना है, तो कोशिश करें कि एकदम से मीठा और इस तरह की चीज़ें ना लें। सादा पानी या लेमनेट का इस्तेमाल करें, या बगैर चीनी के जो शरबत होते हैं उनका इस्तेमाल करें। फल अगर लेने भी हैं तो वो फल लें जिनसे एकदम से शुगर आपकी नहीं बढ़ती। ये तकरीबन डायबिटीज़ के हर मरीज़ को ही एक चार्ट के थ्रू जो है बता दिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे फूड और कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिनसे शुगर एकदम से बढ़ जाती है, और कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिनमें आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शुगर रिलीज़ करते हैं। दूसरी एक ये चीज़, कोशिश ये करीजिए कि एक वक्त में बहुत सारा खाना ना खाएँ। एक वक्त में जैसे अफ्तारी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना लें। थोड़ा सा अपना रोज़ा जो है वो जब आपने खोल लिया उसके बाद वक्फा लें, और फिर अपना रात का खाना या जो भी चीज़ आप खाना चाहते हैं वो आप खाएं। सहरी से अफ्तारी से लेके सहरी तक के टाइम में आपने अपने आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि आपको तकरीबन इतना पानी पीना है कि आपको पानी की कमी ना हो, क्योंकि इससे आपके गुर्दों पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों के जो है वो डायबिटीज़ ऐसा मर्ज़ है जो हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने पानी इतना पीने कि जिससे आपको गुर्दों के मसाइल ना हो। दूसरी एक और ये चीज़ कि जो भी फिज़िकल एक्टिविटी अभी होम बाउंड है, सब कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी घर से बाहर या इवन घर के अंदर भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली एक्टिव हैं, तो उसमें कोशिश ये करें कि अपने आप को थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिव रखें। अगर आप नमाज़ तरावी और नवाफिल का एहतमाम करते हैं तो वही आपकी उतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी है, इससे ज़्यादा पे जो है अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपकी कंडीशन जो है वो ख़राब होने का खदशा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये रमज़ान जो है बहुत अच्छा गुजारेंगे, और इसमें जो हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया या इसके अलावा भी कोई और ऐसी कंडीशन है तो उसमें फ़ौरन आपने जो है अपने मौलिद से कंसल्ट करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।